नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अलग होकर अरुण कुमार ने अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय समता पार्टी। जहानाबाद से सांसद है और पटना के गांधी मैदान में आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया है, गांव बचाओ किसान बचाओ। इस रैली में बिहार के अलग अलग जगहों से किसान और राष्ट्रीय समता पार्टी सेक्युलर के नेता एवं कार्यकर्ता पटना के गांधी मैदान पहुँचे हैं, जहाँ पर एक मुहिम चलाई जा रही है कि किस तरह से किसानों तक उनका हक पहुंचाया जा सके, उनकी आवाजों को बुलंदी दिया जा सके। अजय अलमस्त कुशवाहा जी इस मंच पर विराजमान, अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष गौतम कपूर चंद्रवंशी जी, मोहन चंद्रवंशी जी इस मंच पर विराजमान, तमाम जिला से आए हुए के लिए नया बिहार बनाने के लिए आप डॉक्टर अरुण कुमार जी को हाथ मजबूत करने के लिए गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में इकट्ठा हुए हैं। हम जानना चाहते हैं, हम संकल्प लेना चाहते हैं कि हम डॉक्टर अरुण कुमार को हाथ को मजबूत करें और नया बिहार बनाने में हाथ पर हाथ, हाथ उनको हाथ पर हाथ मिला करके डॉक्टर अरुण कुमार को साथ दें। जय हिंद, जय समता पार्टी। किसानों की बुरी स्थिति को देखते हुए इस रैली का आयोजन किया गया है। गांव और किसान बचेगा तभी राज्य और देश बचेगा, ऐसा राष्ट्रीय समता पार्टी के जिला अध्यक्ष सूरज गुप्ता जी ने कल कहा था अपने बयान में। साथ ही साथ किसानों की बुरे हाल को देखते हुए और अलग अलग कारणों से किसानों की आत्महत्या को देखते हुए उनको समर्थन करने के लिए पटना के गांधी मैदान में इस महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय समता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, पंचायत एवं वार्ड लेवल से पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं इस और इस रैली को सफल बनाने में शिरकत कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों के बीच अरुण कुमार के इस महारैली को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले वो रालोसपा से अलग हुए और राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई। उसके बाद गांधी मैदान में मीडिया की नज़रों में आकर एक जनसंख्या को दिखाकर एक रैली का आयोजन करके आगे वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो इससे यह बात लग रही है कि वो महागठबंधन के भीतर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वो उस गठबंधन में शामिल हो सके, लोकसभा में उससे दावेदारी कर सके। हालांकि बात यह भी आ रही थी कि एनडीए में भी उन्हें जगह दिया जाएगा और उनकी एक सीट जहानाबाद को अरुण कुमार के नाम किया जाएगा। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि अरुण कुमार की यह दाव उनके कितने काम आती है, किसानों तक कितनी सुविधाएं पहुंच पाती हैं, या लोकसभा चुनाव में सुविधा अरुण कुमार को होती है, या तो आगे देखना होगा। लेकिन आप लाइव सिटीज के साथ लगातार बने रहे, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।